ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਲੱਤਾਂ ਨਾਲ ਪਾੜ ਕੇ ਸੜਨੀ ਇੱਥੇ ਇਹਨੂੰ ਬਿਠਾਈਏ ਤੇ ਫੇਰ ਜੋ ਮੱਛੀ ਕਰ ਆਪ ਹੀ ਵੜਦੀ ਇੱਥੇ ਹੋੜੇ ਵੜ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜੇ ਘੋੜਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਵੇ ਫਿਰ गंद पाया की हो दलो ना तेन बंदा कोई मरन जोगा ना तेन कुछ कह जोगा हूँ कितना नाता तूनी आ ठीक है चंगा भला तू खलोता अपने पैर से लोग सामने मैं अदम होया हो ना की तेरा की पल की रह गया यार ताे दस मैं आज कुछ रह गया चंगा भला सरदार बंदा वा तू सरदार ने बदना मीडिया करा वाहगुरु सारी सारी रात दिता खलोता रही ये बंदा मैं रोज बहना हाले दस रहा अगे पा लेना कल वीडियो वायरल हो रही थी एक वीर भंडारी पुल से भंडारी पुल के उत्ते ना एक पौड़ियाँ ला के वेचता आ माक्स या छले वगैरह वेचता गुरसिख वीर है तो वो ना वीडियो वायरल हुई राती ना बीयर पीन डाया सारे वीर ने वीडियो शेयर की कि वीर बीयर पींदा आ या शराब पीन डाया यदा कोई गलबात करो तो मतलब कि ड्रामे करता पौड़ियाँ ला के जिस तरह लोगों कि लोग वेखन से मैं तरस धार से पैसे देन मेरी मदद कर आप आए हाँ वीर बैठा ही चुक के लिया ग बिठाया तो गल की तो आ वीर आ अपने मूँह कहता कि मेरी लत्त ठीक आ लत्त कोई चक्कर नहीं आ मैं सिर्फ एक पैसा कमाउन का जरिया मेरा मैं घर बना घर बना वा लोगों को पैसे लै लैके कोई इनू 11,000 पाँगा कोई इनू 3,000 पाँगा बहरों लोग इन पैसे पाँ डे तू घर बह के काम कर जो तेरे को नहीं हों इत भंडारी पुल से खलो के सारी सारी रात सारा सारा दिन लम्मे पिया हों पौड़ियों के उत्ते मतलब कि तरसन योग हालत होंगी यदि कि लोग देखते कि बंदा पता नहीं मर ही चलिया कि ये बंदा जरा नहीं सुधर सकता इन बड़े बारी लोगों ने समझाया कि भी तू बैठ के काम कर ला कोई तेरे को खड़े होकर नहीं होंगे राती बंदे ने दारू पीती सी मानता आ पीती सी दारू पीती सी बीयर पीती सी की मजबूरी सी अपनी शौक नहीं अमृतधारी हो ना तुम हाँ अमृतधारी सिंह आ जी लोग माया देकर जाते कोई दस हूँ भी आप खड़े सी एक सिंह आया इनू पंजाब पंजाब दो नोट से देन लगा सीगा लोग तो यह सोचते कि पता नहीं किन्ना क बंदा जरूरतमंद आए कि बेचारा तरस तरस की हालात है ये है ना तो परिवार यदा फरीदकोट रहा है तो इतने बिजनेस करता अपना ये घरदे नूं फोन करके पूछा कहिंदे उन्हें दुकान है हाल गेट तकरीबन दुकान जिनी कमाई तो कर ही लैंदा होगा इतों सवेर तो लैके शाम तक जो सही सही रात भी खलोता रहा है कई बार तो अपने वीर आते हैं तो गड्डिया गड़ी लम्बे पै जाता है बंदा कि किसी तो बहाना बने तो मैं इन्हों को पैसे लवानगी मैं तो मर गया सही गल है ठीक है जी ये बंदे का आप अज इन समझा लगे हाँ बड़े प्रेम प्यार ना कोई चपेट चपड़ नहीं मारी तेरे कुछ नहीं कहना इन प्यार ना ये समझा लगे कि यह काम छड़ दे ठीक है ये गुरु महाराज बड़ी गंदी मार मारता जो मारन से आंदा ना आप ये काम छड़ के आप कुछ चज दे किरत कर ली जी हथी मेहनत करिए तेरे को घर नहीं है तो मतलब सारे को ये जरूरी नहीं हर को घर होंगे जिन्हें को घर नहीं आते रोड से मंगन नहीं आते वो गुरु महाराज का शुक्र करो कि उन्हें जीवन दिता सानू फिर भी आप गुरसिखी जीवन साढ़े को आप नाम की कमाई कर सकते हैं पातशाह के बेनती करो जिन्हें सारी दुनिया को दिता है एक किसी इंसान कोई देने जोगा नहीं किसी आप इतने खलो के अज तो बाद खिलाना है अज तो बाद आप इतने तरह भंडारी पुल से नहीं खिलाना है ठीक है ये समान वेचना तो दुकान ला के वेचना है ठीक है पौड़ियां नहीं फड़नी अपना मेहनत करनी है चजना अज तो बाद खिलाना है अज तो बाद आप इतने तरह भंडारी पुल से नहीं खिलाना है ठीक है ये समान वेचना तो दुकान ला के वेचना है चौबी घंटे खलोना चंगा भला बंदा अदम होया मैं तेनों
ਕੋਈ ਨੋਟ ਕਰੀਦਾ ਤੂੰ 24 ਘੰਟੇ ਹੁੰਨਾ ਇੱਥੇ ਰਾਤ ਮੀਂਹ ਚ ਉੱਤਰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਤੂੰ ਦਿਨ ਰਾਤ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਆਣਾ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਘਰ ਬਣਾਉਣਾ ਮੈਂ ਘਰ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣਾਵਾਂ ਘਰ ਬਣਾਉਣਾ ਆ ਤੇ ਆਪਾਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆਪਣੀ ਹੱਥੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਆਪਣੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਆਸਾਮ ਦੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਪੌੜੀਆਂ ਤੇ ਲੰਮੇ ਪਏ ਹੁੰਨੇ ਆ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਵੇਖਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀ ਕਿ ਲੋੜ ਆ ਕਿੰਨਾ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਮਜਬੂਰ ਆ ਇਹਨੂੰ 100 200 500 ਦੇ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਥੱਕ ਕੇ ਫਿਰ ਪੈਕੀ ਪੀਣਾ ਪੈਂਦਾ ਐਮਆਰਆਈ ਕਰਾ ਲਓ ਬੇਸ਼ੱਕ ਮੈਂ ਪੌੜੀਆਂ ਤੇ ਤਾਂ ਭਾਰ ਪਾਉਣਾ ਮੰਨ ਲਿਆ ਤੇਰੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਤੇਰਾ ਲੱਕ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਬਾ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸੰਗਤ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਕਿ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਬੈਠ ਜਾ ਤੇਰੇ ਘਰੇ ਤੈਨੂੰ ਖਰਚਾ ਪਹੁੰਚਾ ਦਾਂਗੇ ਤੂੰ ਆਪਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾ ਜਾ ਬੈਠ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਕਰ ਲੈ ਇੱਕ ਦਾ ਹੋਰ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਨਹੀਂ ਘਰੇ ਬਹਿ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਵਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਲੈ ਖਰੀਦ ਕੇ ਦੇ ਜਾਂਦੇ ਕਈ ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਵਧਾ ਦਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਜਦੋਂ ਲੋਕਡਾਊਨ ਸੀਗਾ ਉਦੋਂ ਦਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ 90 ਦੀ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਖਾ ਲੈਂਦਾ ਸੀਗਾ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈਗੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ।